तो आज की पहली बुकिंग कर दी हमने कंप्लीट और टाइम हो गया भैया आज 6 बज चुके पूरे। और ये बुकिंग लेके आया था मैं रामा हॉस्पिटल पिलखुआ से और वैशाली सेक्टर 2-3 के करीब। तो इसमें कस्टमर का बिल था भाई 500 कुछ रुपए कुल किराया, लेकिन जो कस्टमर का बिल आया कैश में वो आया था 438 रुपये, 38 x 34 रुपये, आप देख सकते हो डिटेल। और हमें मिले भैया इसमें 380 रुपये 32-33 किलोमीटर चलने के। तो जहाँ तक भी मैं देख रहा हूँ ओला के बिल में कुल किराया में दिखाता है एक्स्ट्रा और जो कस्टमर का कैश में आता है वो दिखाता है कम। तो इसका मतलब ये है कि कस्टमरों को ऑफर दे दिया ओला, हमारा पेट काट काट के। तो कोई नहीं भैया, मजबूरी है चलानी तो हमारी गाड़ी। तो देखते हैं अब कहाँ की मिलती है यहाँ से बुकिंग, करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट और आज कोशिश करेंगे ओला ओला में चलाने की। और ओला में अगर ड्यूटी नहीं आएगी तो फिर ऊबर भी खोल लेंगे, वो भी प्राइम कैटेगरी खोल के, मतलब ऊबर गो में नहीं चलाएंगे, प्राइम चलाएंगे। तो भैया दूसरी बुकिंग आ चुकी है हमारे पास ऊबर में और ये है जनपथ कनॉट पैलेस के पास की। और लेके चलते हैं भाई और इसे ले जाने के बाद वहाँ डलाते हैं गैस, गैस क्योंकि हमारे पास कम है। और देखते हैं इस राइड में कितने मिलते हैं, 200 कुछ रुपए दिखा रहा था, प्रीमियर कैटेगरी में बुकिंग है। चलते हैं भाई, ओला कर लेते हैं ऑफ, ऊबर कर लेते हैं ऑन, तो आई जब तो आई है बुकिंग। तो कस्टमर को हमने कर दिया ड्रॉप जनपथ में और कस्टमर का बिल ऑनलाइन था, हमें मिले 265 रुपये 19 किलोमीटर के। और अब चलते हैं कैश डलाने। तो CNG करा लिया हमने फुल और CNG भाई थोड़ा प्रेशर कम था, 360 रुपये करीब के आई है। और अभी एक बुकिंग आई थी करोल बाग से सेक्टर 78 की, अब जैसे चला लेने के लिए बुकिंग भाई वो कैंसिल कर दी कस्टमर ने। अगर चलो कोई नहीं, अब चलते हैं CP की तरफ, वहीं जाके मिलेगी कोई बुकिंग मिलेगी तो सही से। तो टाइम हो गया 9:17 और इस टाइम भी कोई ड्यूटी नहीं है भाई कनॉट पैलेस के आसपास, मंडी हाउस क्लब घूम गया हम। अब ये एक बुकिंग देखते कहाँ की, तो ये ड्यूटी थी भाई पहाड़गंज की, पहाड़गंज से चोना मंडी जाना, बस छोटी सी राइड थी। तो उधर मैं जाना नहीं चाहता, जाम वाला एरिया और गंदा एरिया भाई, तो यहाँ तो लाइन लगी पड़ी है टैक्सियों की, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मिलेगी तो भाई नसीब में होगी तो मिलेगी ज़रूर, और लगाते हैं हमें यहीं पे साइड में कहीं। तो कस्टमर को हमने कर दिया है ड्रॉप और मैं हूँ इस टाइम अशोक नगर है ये शायद, अशोक विहार है। ये पता नहीं अशोक नगर अशोक विहार है, ये मयूर विहार के पास जो है। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं इस टाइम और अभी भी कस्टमर को करा ड्रॉप और कस्टमर का बिल आया था 183 जो मुझे मिले कैश में और 160 रुपये मिले 14 किलोमीटर चलने के, ठीक है। और इसमें जो बुकिंग का एक्चुअल फेयर है वो है 210 समथिंग है, अब कस्टमर का 183। तो ये समझ लो हर राइड में ऑफर दे रही है कस्टमर को कंपनी और काट रही है हमारा पेट, हमारा मतलब हमारा पेट काट काट के कस्टमर को ऑफर दे रही है। तो बताओ भाई क्या नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ, हर राइड का यही सीन है भाई, हर राइड में एक्चुअल फेयर देखोगे तो फालतू है और वैसे जो कस्टमर का बिल में आता है वो आता है कम। भाई रात के बज चुके हैं 10:30 और 10:30 बजे अब मैं मयूर विहार से इधर आ रहा था अक्षरधाम की तरफ, मगर चलो इधर जाके बुकिंग मिलेगी। तो रास्ते में भाई ट्रैफिक पुलिस बीच रास्ते में खड़ा बंदा गाड़ी रुकवाने के लिए, तो हम तो निकल गए और पीछे पता नहीं गाड़ी रुकवा रहा था, किसके रुकवा रहा था पता नहीं, कुछ और गाड़ियाँ साइड में लगवा रखी थी, कुछ पिकअप थे कुछ टैक्सी थी। तो भाई ये 5 नंबर वाले, ये पता नहीं गाड़ी मैंने देखी नहीं, शायद 5 नंबर वाले थे या नॉर्मल पुलिस थी। तो भाई दिल्ली के अंदर बहुत सख्ताई चल रही है इस मामले में, अगर आपकी गाड़ी रोकेंगे तो भाई सबसे पहले वो ऑप्शन उठाएंगे आपकी ड्रेस के ऊपर, और ड्रेस अगर आपने पहन रखी है तो आप एक बार को बच भी जाओगे, और फिर भाई अगर नहीं पहन रखी तो फिर वो रस्सी का सांप बनाएंगे तुम्हारी, और फिर वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे गाड़ी के भी तुम्हारे भी, लाइसेंस वगैरह ड्रेस व्रेस सब चीज़ चेक करेंगे। तो
अभी मैंने वीडियो डाली थी एक इंस्टाग्राम पे कि हमारी एक गाड़ी है, यूपी नंबर गाड़ी है, उसका जो ना चालान कटा कल 12,000 रुपये के दो चालान कटे, और लोग बाग यकीन नहीं मान रहे, कह रहे कि भाई इन धाराओं पे तो इतने रुपए का चालान होता है, देखो 5 नंबर वाले वो पता नहीं क्या कितने रुपए का चालान तुम्हारा काटते हैं। हालांकि वो कोर्ट में पहुंच गया, चालान पे करने का भी ऑप्शन नहीं आया, कोर्ट में जाने का ऑप्शन आया कि इस नंबर मतलब इस कोर्ट में यहाँ जाके इनसे कॉन्टेक्ट करो, वहाँ जाके भुगतान करो उसका। तो हुआ ये था कि ड्राइवर को रोका, उसने ड्रेस नहीं पहन रखी थी, पहली बात तो ये उसने पहले ही मौका दे दिया ट्रैफिक पुलिस को रुकवाने का कि हाँ भाई मैंने ड्रेस नहीं पहन रखी, आप रोको मुझे। और रोकने के बाद भाई उन्होंने चेक करा गाड़ी की डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में जो 1 साल का परमिट होता है ना, इसमें जो ना 5 साल का परमिट अलग होता है यूपी नंबर गाड़ी में, दिल्ली का या हरियाणा नंबर का मुझे इतना अंदाजा नहीं है कि उसमें भी होता है ऐसा या नहीं होता, तो उसमें ये है 1 साल का एक परमिट बनता है, वो रिन्यू होता है, 5 साल का तो अलग होता ही है, 1 साल का और होता है वो रिन्यू होता है, तो वो रिन्यू नहीं था, वो टूटा पड़ा था, तो उसका 12,000 रुपये का चालान। और ड्राइवर के पास लाइसेंस तो था, फ़ोटो था, लेकिन वैसा नहीं था फिजिकल, और उसने ड्रेस नहीं पहन रखी थी, तो उसका आया 12,000 रुपये का, 24,000 रुपये का चालान काटा। और लोग बाग कमेंट में यार इतनी अनभक्ति दिखाते हैं, मतलब ऐसी ऐसी बात कहते हैं कि नहीं इतने का नहीं कट सकता, 500 रुपये का ड्रेस का, 1,000 रुपये का ड्रेस का। तो भाई ट्रैफिक पुलिस के ऊपर बात होती है, वो आपसे कितना जल चुकी है या कितनी खुंदक में है, तो वो कितने का भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ। अब वो चालान गया कोर्ट में, अब वहाँ जाके एक्चुअल में पता चलेगा। अभी मैंने कल ही वेबसाइट पर देखा था तो 12,000 रुपये का चालान आ रहे थे दोनों, दो चालान 12,000 के, और उनका पे करने के लिए जब मैंने देखा तो स्टेटस में आ रहा था कि आप जो ना KKD कोर्ट है, कड़कड़नुम्बा कोर्ट होगा शायद, क्योंकि वो यहीं का कटा हुआ है, सरायकालिखा के आसपास का, और उसमें आ रहा था कि इस नंबर पे जाओ कोर्ट में, इस कमरा नंबर में भुगतान करो जाके, तो हो सकता है वहाँ जाके थोड़ा कम हो जाओ चालान कोर्ट में जाके, लेकिन जो प्राइस दिखा रहा था वो 12,000 रुपये दिखा रहा था दोनों। तो वही है भाई, ये अब ड्राइवर से चलवा रहा था वो बंदा, मेरा भाई है बड़ा, अब उसकी गाड़ी थी उसने ड्राइवर को दे रखी थी, अब ड्राइवर चला रहा था, देखो उसकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन जब तुम दूसरे को मौका दे रहे हो, सामने वाले को, अब पुलिस वाला खड़ा है ठीक है, या हम गाड़ी चला रहे तो सामने से दिख जाएगा कि बंदे ने ड्रेस नहीं पहन रखी, तो पहले इसे रोको ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगर हम ड्रेस पहन के चला रहे हैं तो अगर वो रोकने वाला भी होगा मैं तो वो ऐसे नहीं रोकने का, क्योंकि यार ये तो वैसे ही पूरा फिट दिख रहा है, और जब रोका तो भाई उसने पूरे डॉक्यूमेंट चेक करे गाड़ी के भी उसके भी, तो दोनों का काट दिया फिर। तो ये सीन है, अब भी 10:30 बज रही है, अब भी पुलिस एक्टिव है, वैसे एक्टिव नहीं, एक तो रात को एक्टिव होती है सैटरडे संडे में सेंट्रल दिल्ली के आसपास, वो चेक करते हैं कि कोई पी पा के तो नहीं चला रहा गाड़ी, मतलब मुंह में लगा लगा के चेक करते हैं कि भाई चेक कराओ अपना अल्कोहल लेवल, तो एक तो वो हो गया, ये भाई अलग वाला सीन है, ये गाड़ी साइड में लगा रहे और चालान कर रहे हैं, तो सकता ही चली रही है भाई। एक भाई का ये कमेंट आया था कि भाई मेरा एक चालान कट गया, पुलिस वालों ने काट दिया दिल्ली में, और मेरी यूपी नंबर गाड़ी थी तो उसका क्यों काट दिया ऐसा, परमिट के हिसाब पता नहीं किसी चीज़ और चीज़ का काटा था, तो वो कह रहे थे कि भाई यूपी में चलने मतलब यूपी नंबर गाड़ी दिल्ली में चलती नहीं का। मैं कहा भाई देखो कभी कभी ऐसा सीन होता है, हमारी भी एक गाड़ी रोकी थी 5 नंबर वालों ने, और रोकने के बाद कहा था कि भाई तुम जो ना यहाँ पे स्टॉप टू स्टॉप नहीं चला सकते, लोकल नहीं चला सकते, ऑल इंडिया परमिट गाड़ी बाहर की गाड़ी है, यूपी नंबर गाड़ी है, वो तुम दिल्ली के अंदर इस मतलब दिल्ली में लोकल राइड नहीं कर सकते, मान लो तुम बाहर से लेकर आ रहे हो आउट स्टेशन, उसे छोड़ सकते हो और आउट स्टेशन ही बुकिंग लेके जा सकते हो, इनका कहना यह होता है, ये नहीं कि आपने बुकिंग यहाँ से उठाई इंडिया गेट से और आप छोड़ रहे हो दिल्ली के अंदर ही, या कहीं से बुकिंग उठाई आप छोड़ रहे हो ड्रॉप लोकेशन, आपका पिकअप भी दिल्ली से है और ड्रॉप भी दिल्ली में ही है, तो उस चीज़ के लिए कभी कभी अभियान चलाते हैं भाई, चालान काटते हैं मोटा ऑल इंडिया परमिट वालों पे, क्योंकि इनका कहना होता है कि भाई दिल्ली NCR में लोकल राइड सिर्फ NCR परमिट गाड़ी कर सकती है, ऑल इंडिया परमिट बाहर की बुकिंग ले जा सकती है और बाहर की बुकिंग ला सकती है, तो ये सीन होता है। तो भाई इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दिया करो, और जहाँ तुम्हें दिख रहा ना आगे 5 नंबर वाली गाड़ी खड़ी है,
तो लेफ्ट साइड में बिल्कुल ना चलाओ गाड़ी, राइट राइट में दबा लो तुरंत अगर बचना है तो। और भाई देखो वो नसीब का खेल है, ना बचा जाता तो फिर वो कहीं से भी पकड़ लेते, राइट में भी आ जाते हैं। अगर नसीब में कुछ लिखा कि हाँ भाई चालान कटेगा तो वही अपना जितना हो सके लेफ्ट में तो बिल्कुल मत चलाओ गाड़ी को, क्योंकि लेफ्ट में तो वैसे भी काट देंगे कि लेफ्ट में लेफ्ट लाइन में क्यों चला रहा है भाई, लेफ्ट में तो बसें चलती हैं। तो इसलिए बीच वाली लाइन में या राइट वाली लाइन में दबा के निकाल दो अगर बचना है तो। 1% चांसेस होते हैं कि हाँ भी बच जाओगे तुम। अब मैं राइट में ही आ रहा था, अगर मैं लेफ्ट में होता तो रोक लेते मुझे, ये समझ लो बीच सड़क में बीच वाली लाइन में खड़ा था बंदा और मैं राइट वाली में था, तो मेरे आगे भी टैक्सी जा रही थी, वो पता नहीं पीछे मेरे से पीछे वाली गाड़ी रुकवा रहा था या उससे पिछली वाली रुकवा रहा था, लेकिन मैंने देखा उसे, वो मेरी तरफ कोई इशारा नहीं कर रहा था, वो बीच वाली लाइन में जो गाड़ी चल रही थी उसे रुकवा रहा था। रोको भाई, शायद जो मेरे पीछे गाड़ी आ रही होगी उसे रुकवा रहा होगा। तो मैं तो निकल गया, 10:30 बज रहे भाई, अब 10:40 हो गई, अब आ गया मैं इधर खेल गाँव के आसपास। अगर यहाँ से मिलती है बुकिंग तो ठीक है, वरना भाई हम चलते फिर इंदिरापुरम, इंदिरापुरम जाके लेटेंगे आराम से सोएंगे और फिर सुबह सवेरा उठेंगे और संडे में देखते हैं भाई कितना रुपए का काम होता है फिर। अभी तो फिलहाल हम करते हैं वेट यहीं पे। तो अभी अभी एक बुकिंग आई थी ये पांडव नगर से और बनथला लोनी की तरफ की। भाई पहले तो जाने का मन नहीं कर रहा था उधर, अब मैं यहाँ लोकेशन पहुँचाऊँ कस्टमर की, तो बोल रहा है कि गली के अंदर आ जाओ, गली ऐसी है भाई उसमें अगर घुस गया तो उसके घर तक पहुँचना मुश्किल है, और रास्ते में इतनी बाइकें और वो खड़ी हैं, और कह रहा है कि भाई आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है गली में, आ जाएगी गाड़ी के ड्रैग आ जाता है, नशे में बोल रहा, नशे में कस्टमर है तो समझ लो पूरे रास्ते दिमाग खाता हुआ जाएगा, और ऊपर से एरिया कौन सा है लोनी वाला। तो भाई अपन ने मारी है कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बुकिंग देखते हैं अक्षरधाम के ही जाके वापस। तो भैया टाइम हो चुका है 11:41, 12 बजने वाले, और अब आ गया हूँ मैं मयूर विहार में ही खड़ा हूँ, और यहीं लगा के गाड़ी सोते हैं थोड़ी बहुत देर, और फिर कल संडे है तो कल ऑन करते हैं सवेरा ड्यूटी 4-5 बजे करीब, और कल देखते हैं कितने रुपए की अर्निंग होती है, क्योंकि आज तो भाई इतनी हुई है, 540 रुपए का काम हुआ हमारा ओला में और 265 रुपए का हुआ ऊबर में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।